दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। दल जमाव के खिलाफ एमएसयू ने दिया धरना, आयशा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। बहेरी जल जमाव से स्थानीय लोग आक्रोश, मोबाइल दुकान में लूटपाट का वीडियो हुआ वायरल। पाक की साजिश होगी बेनकाब, पार्सल ब्लास्ट की जांच को दरभंगा पहुंची एनआईए। बारिश की वजह से नल जल का काम अधूरा, कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ा रहे धज्जियां। पीएमजीएपी के लोन स्वीकृति की गति है काफी धीमी, वैक्सीन समाप्त होते ही टीकाकरण पर लगा ब्रेक। अब खबर विस्तार से। जल जमाव के खिलाफ एमएसयू ने दिया धरना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लहरियासराय अध्यक्ष अर्जुन कुमार के नेतृत्व में जल जमाव की समस्या को लेकर पाली राम चौक पर धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर उपस्थित दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से लहरियासराय गुदरी बाजार के लोग जल जमाव की समस्या से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन आम आवाम से झूठे दावे पर सिर्फ अराजक फैलाने का काम करता है। लगातार सूचना देने के बावजूद आज तक हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकी। निगम प्रशासन द्वारा ये दावा किया जाता है कि सभी नालियों की साफ सफाई हो चुकी है, परंतु इसमें कहीं से भी सत्यता नहीं है। हालांकि बारिश, हल्की सी बारिश भी होती है तो पूरी गुदरी बाजार जलमग्न हो जाता है। पिछले कई वर्षों से गुदरी बाजार में एक शौचालय का निर्माण ना हो सका। निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अभिषेक कुमार झा ने बताया कि निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण आज गुदरी बाजार का सार्वजनिक विकास ना हो सका। आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मौके पर एमएसयू के हर्ष लक्ष्मण, ललित, रिंकी काबड़ी, सुधीर ललनगाड़ा, गिरधारी लालू सुल्तानिया, अनिश चौधरी, विजय सोनू कुमार, वेदांत वत्स आदि उपस्थित थे। आयशा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, एस्टेट 19 मेरिट लिस्ट में कथित धांधली के खिलाफ शुक्रवार को आयशा के कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी चौक पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सभा का संचालन इनोश के राष्ट्रीय नेता व भाकपा माले के युवा नेता रंजीत राम ने किया। नेताओं ने कहा कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए दिन गड़बड़ी और व्यापक तौर पर धांधली की खबरें आ रही है। राज्य सरकार से हमारी मांग है कि एस्टेट 19 में मेरिट के नाम पर धांधली पर रोक लगाते हुए 12 मार्च को जारी किए गए एस्टेट 19 के परिणाम में सफल सभी परीक्षार्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए। उन्होंने कहा कि बिहार की कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली, गड़बड़ी या पेपर लीक की खबरें नहीं आई हो। लगातार बिहार के बेरोजगार छात्र नौजवान द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ संघर्षों में है। सरकार बेरोजगार छात्र नौजवान की जायजा मांग को सुनने के बजाय अनदेखी कर रही है। इस अवसर पर आयशा से मयंक कुमार यादव, चंदन आजाद, सबा रोशनी, ओनम एहसान, संदीप कुमार, इनोश के बिहार राज्य के सह सचिव गजेंद्र नारायण शर्मा, इनोश के राज्य प्रसाद रंजीत राम, सूरज कुमार आनंद, अभिजीत कुमार आनंद, पंकज कुमार, मनोज महतो, संतोष कुमार, सुरेंद्र मल्लिक, मनोज कुमार शामिल थे। वहीं दूसरी ओर सदर प्रखंड के बिजली में आयशा सदर प्रखंड सचिव जायदेव प्रवासी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। बहेरी जल जमाव से स्थानीय लोग आक्रोशित, बहेरी प्रखंड क्षेत्र के शेर नवटोलिया बिजुलिया बरही तथा बिरौल प्रखंड क्षेत्र के शिवनगर गांव के बीच आने वाली लगभग 400 एकड़ खेती योग्य जमीन बरसात के पानी से भर गया है। पानी की निकासी नहीं होने से जल जमाव की समस्या गंभीर हो चुकी है। इस जमीन की फसलें तो पहले ही नष्ट हो चुकी है, अब निचले इलाके के दर्जनों घरों में भी पानी घुस चुका है। शेर के मदन यादव, सिकंदर राम, सिकंदर यादव, लालन सदा, श्री नारायण यादव, गर्भू राम, जागेश्वर यादव, हरे राम सदा, जयराम यादव, लालू राम आदि लोगों के घर में पानी घुस जाने के कारण काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है। विदित हो कि इसको लेकर बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी ने विधानसभा में लगभग 3 महीने पूर्व इस मामले को रखा था, जिसमें बताया गया था कि इस इलाके का पानी की निकासी 2 साल पहले तक जिस नाले व पोखर से होकर पानी बिरौल प्रखंड के नरसर चौर में चला जाता था,
उसे निजी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमित कर पानी के बहाव को रोक दिया गया है, जबकि वो जमीन अनाबाद बिहार सरकार नाला के रूप में नक्शा में चिन्हित है। बता दें कि अरविंद कुमार सुमन, अनिरुद्ध यादव, शिया शरण सा, जयनंदन यादव, रोहन मंडल, नथुनी यादव, संतोष यादव आदि स्थानीय ग्रामीणों ने 11 फरवरी को ही इस बात की लिखित जानकारी बहरी सीओ को आवेदन के माध्यम से दी थी। मोबाइल दुकान में लूटपाट का वीडियो हुआ वायरल। झजड़ा चौक पर 23 जून को दिन दहाड़े हथियार के बल पर मोबाइल दुकान में लूटपाट की घटना का वीडियो वायरल हो गया है। इस व्यवसायियों में दहशत व्यापक है, हालांकि हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में 3 युवकों के हाथ में पिस्टल व कार्बाइन दिख रहा है। हथियारों से लैस युवक दुकान में पहले ग्राहक को पीटते हैं, फिर दुकानदार को पिस्टल सटाकर पीटते हुए सारी मोबाइल और नकदी लूट लेते हैं। यह युवक बिना मुंह ढके हैं तो दूसरा दुकान पर आकर मुंह ढक रहा है। इस संबंध में व्यवसायियों का कहना है कि अगर पुलिस गंभीरता से जांच करे तो अपराधी शीघ्र पकड़े जाएंगे। मालूम हो कि झजड़ा चौक पर अजीत कुमार शाह की मोबाइल दुकान पर दिन दहाड़े 3 युवक ने हथियार के बल पर लूटपाट की थी। उल्लेखनीय है कि दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया तथा बेगूसराय जिले के समीवर्ती व दक्षिणी छोर पर अवस्थित झजड़ा चौक अपराधियों का अड्डा बन गया है, जबकि इसी चौक से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर बहरवा पुलिस पिकेट है। लगातार खून खराबा की घटनाओं के बाद लोग अब बहरवा पुलिस पिकेट पर ही प्रश्न उठाने लगे हैं। पार्क की साजिश होगी बेनका, पार्सल ब्लास्ट की जांच को दरभंगा पहुंची NIA, CCTV फुटेज को खंगाला। दरभंगा जंक्शन पर गत 17 जून को हुई पार्सल ब्लास्ट के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ने की बात सामने आने पर मामले की जांच करने IA की 3 सदस्य टीम शुक्रवार दरभंगा पहुंची। टीम ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद घटना की CCTV फुटेज को बारीकी से खंगाला। मामले में अभी तक जांच के नतीजे के सिलसिले में NIA ने रेल पुलिस से जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद टीम में शामिल तीनों अधिकारियों ने GRB थाने दर्ज की गई FIR का भी गहन किया। सूत्रों के अनुसार CCTV में दिख रहे एक संदिग्ध के हुलिये से अधिकारियों ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि कहीं वह व्यक्ति किसी आतंकी वारदात में पहले से वांटेड तो नहीं था। वहीं दूसरी ओर NIA ने CCTV फुटेज के माध्यम से 17 जून को सिकंदराबाद एक्सप्रेस से दरभंगा पहुंचे अन्य यात्रियों का भी अवलोकन किया, यह जानने के लिए कि ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के बीच कई संदिग्ध तो नहीं था। पार्सल ब्लास्ट में आतंकी संगठन की संलिप्तता को देखते हुए सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की गई। NIA के अधिकारियों ने रिजर्वेशन चार्ट की भी मांग की। दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर घटनास्थल की निरीक्षण करने के दौरान NIA ने वहां की कई फोटोज खींची। बारिश की वजह से नल जल का काम अधूरा। योगी आरा पंचायत में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना की हालात अच्छी नहीं है। हालांकि पंचायत के कुल 13 वार्ड में से 12 वार्ड की योजनाओं का पूर्ण रूप बताया जा रहा है, मगर इस योजना की जमीनी हकीकत कुछ और है। वर्तमान में इस पंचायत के वार्ड संख्या 1, 2, 4, 5, 10, 11 में पानी चल रहा है। 13 वार्ड के पाइपलाइन का काम बारिश की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहा है, शेष तकनीकी कारणों से रुग्ण है। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक राज ने वार्ड संख्या 13 सहित सभी बचे निर्माण कार्यों को 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ा रहे धज्जियां। कोरोना का कहर कम जरूर हो गया है, पर खतरा अभी टला नहीं है। असावधानी बरतने पर फिर से इसका संक्रमण फैल सकता है, यह जानते हुए भी कई लोग नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। सरकार के निर्देश के बावजूद लोग कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाट बाजार में कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। PMGEP के लोन स्वीकृति की गति है काफी धीमी। देश में बेरोजगार की दर में गिरावट लाने के उद्देश्य से बनाई गई प्रधानमंत्री योजना सृजन योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में अब तक जिले के विभिन्न बैंकों ने मात्र 6 आवेदनों का निपटारा किया है। इस योजना के तहत अब तक 125 आवेदन ऑनलाइन जमा किए गए हैं। जिला अंतर्गत 25 बैंकों को कुल 88 आवेदनों का निपटारा करने का लक्ष्य दिया गया है।
जानकारी के अनुसार पीएमजीईपी योजना के मिले आवेदनों का सबसे कम बैंक ऑफ इंडिया ने निपटारा किया है। इस बैंक ने मात्र एक आवेदन का निपटारा किया है। वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2 और पंजाब नेशनल बैंक ने 3 आवेदनों की स्वीकृति दी है। सबसे अधिक 25 लाख रुपए के ऋण की स्वीकृति सेंट्रल बैंक ने दी है। बता दें कि इस योजना के तहत इच्छुक लाभार्थी अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से लोन प्राप्त कर सकते हैं। पीएमजीपी लोन स्कीम्स के तहत आवेदन का योजना का लाभ प्राप्त किया जाता है। वैक्सीन समाप्त होते ही टीकाकरण पर लगा ब्रेक। कोरोना टीकाकरण के लिए मॉडल प्रखंड बनाए गए। सिंहवाड़ा में अब वैक्सीन की किल्लत के कारण टीकाकरण बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। सीएचसी के स्टॉक में मात्र 200 डॉज दवा उपलब्ध करने के कारण 2 दर्जन से अधिक जगहों पर बनाए गए टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर प्रत्येक स्तर पर टीकाकरण के लिए जागरूकता बढ़ाने के कारण टीका लेने वालों की भीड़ टीकाकरण केंद्र पर लग रही है। आलम यह है कि राज्यों में कई लोग बिना टीका लिए ही लौट गए। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रेमचंद्र ने बताया कि 25 जून को सिंहवाड़ा स्थित चौधरी केदारनाथ प्लस 2 उच्च विद्यालय परिसर में ही टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा। इसमें 18 प्लस एवं 45 प्लस के लोगों को टीका देने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि टीका की व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारी से संपर्क किया जा रहा है। मालूम हो कि सिंहवाड़ा को कोविड-19 टीकाकरण के लिए मॉडल प्रखंड बनाए जाने के बाद यहां 25,000 डोज दवा भेजी गई थी। 5 दिनों में 15,000 दवा समाप्त हो गया। बताया गया है कि बाकी 10,000 डोज दवा की दूसरी जगह भेज दी जाने के कारण टीका की किल्लत हो गई है। इधर जागरूकता बढ़ाने के कारण लोग टीका लेने के लिए टीकाकरण केंद्र का चक्कर लगाने लगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।